लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म डाले एक बार तो इतनी कठिनाई से फिर उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। जब डेट एक महीने का रहेगा तो उसमें जब 15 दिन बीत जाएंगे तब बताएंगे और तब जब हम लोग तैयारी कुछ उसको जमा करने के लिए करने लगेंगे तो उसका डेट ही ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर हम फॉर्म जब डालने जाते हैं तो कहते हैं कि नाम अगर नाम के आगे अपने जाति का नाम नहीं लिखते हैं तो उसको फॉर्म लेते नहीं कहेंगे पहले जाति का नाम लिखो। और जब तक हम लोग कोई अगर गौतम लगाएंगे फिर भी नहीं स्वीकार करेंगे, जब हरिजन लगा देंगे तभी स्वीकार करते हैं कि हाँ अब नाम सही है। बहुत ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो कह भी देते हैं कि चमाइन कहें कि अगर हम लोग जैसे कोई संघर्ष करने जाते हैं ना तो गांव के लोग मतलब कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। जब हमारे गांव में राशन कम मिल रहा था तो मैंने एक बार मतलब वो किया कंप्लेन किया तो जो हमारे गांव के प्रधान है पूर्व प्रधान है फिर भी अपना दावा दिखाते हैं यहाँ पर। अब हम मुझको क्या बोलते हैं कि ये मायावती बनी है और गालियाँ भी देते हैं कहेंगे अरे चमार साले लोग एकदम वो पगला गए हैं, चर्बी चढ़ गई है। और वो 15 साल से प्रधान थे, वो ठाकुर जाति के हैं, जो जो किए हैं वैसे सबके साथ करते हैं लेकिन उनको कोई जवाब नहीं देता, इतने गुलाम हैं यहाँ के। हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हम लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित होते तो ये गुलामी थोड़ी ना सहते हम लोग। और हम ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ हम बने, उसके बाद हम अपने समाज के समस्याओं को हल करें, उसके बाद जब हम कुछ बन जाएंगे तब तो अपने समाज का हम हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और हम पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बनना चाहते हैं ताकि हम अपने समाज को न्याय दिला सकें।